हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। दो बेहतरीन सी बाइकें खड़ी हैं, एक है भाई R15, जल्दी से सामने से दिखाता हूँ भाई। दो बेहतरीन सी सुंदर सी बाइकें खड़ी हैं और दोनों की रेवरली भाई काफ़ी टाइम से चली आ रही है। प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है, 20,000 का डिफरेंस होगा, 20-30 मान लो। तो जल्दी से बाइकें दिखाता हूँ आपको मैं। भाई आप पहले चीज़ बताओ कि फ्रंट से आपको कौन सी सुंदर लग रही, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एक चमचमाती हुई ऑरेंज है, दूसरी रेड है, एक है हमारी यमहा R15 V4, दूसरी है KTM RC, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, वो भी मोटो GP एडिशन। देखो अच्छा तो लग रहा है, बस थोड़ा सा यार इसमें कुछ कट्स वगैरह चाहिए थे, बट मोटो GP वाला अच्छा लगता है फ्रंट से भी, क्योंकि ये जो पूरा स्मोकी टाइप का दे रखा है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और साइड से तो भाई ऑरेंज कलर और ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये चेक करो, E20 बिल्कुल लेटेस्ट बाइक है और काफ़ी सुंदर सी लग रही है। और एक आ चीज़ें चेक कराऊँ आपको मैं जल्दी से, इसकी साइड फेयरिंग देखो, ये देखो मजबूत है इसकी, देखना ये देखो यहाँ से ये देखो, मतलब अगर मैं ऐसे ही लाऊंगा तो पूरा नीचे तक हिलती है इसकी, देखो उससे मजबूत है भाई। और ये मोटा भी है, इसका तो एकदम ही हल्का हल्का है, देख रहे हो। तो चलो ये थी ऐसी साइट की बातें, उन्हें बता दी। और प्राइस वगैरह जो भी फीचर्स स्पेसिफिकेशन है सब नीचे लिख के आ जाएंगे। जल्दी से बाइक पे बैठते हैं और ड्रैग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बैक लुक भी आप लोग देख लो, हेलो सो भाई बैक लुक आप लोग देख लो कि बैक से कौन से अच्छी लग रही है। बैक से दोनों ही अच्छी लग रही है, लेकिन वो मोटे मोटे से टायर 150 सेक्शन के हैं उसमें RC में, और इसमें थोड़े से कम है। पावर वगैरह सब नीचे लिख के आ ही गई होगी। ये थोड़ी सी पुरानी है, मान के चलो 1-1.5 साल पुरानी है, और वो तो भाई एकदम लेटेस्ट वाली है। लेकिन कहा जाता है टॉप एंड बड़ा अच्छा है R1 का, आज तो क्लियर हो ही जाएगा। हाँ, एक सेकंड, कैमरा ऑन है। भाई इनिशियल RC का तो अच्छा है ही, लेकिन कब तक? बहुत पीछे है। भाई लेकिन उस 200 CC की बाइक को अच्छा टक्कर दे दिया है। कैमरे में ज़्यादा गैप लग रहा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा गैप रियल में नहीं है। उसका लिमिटर आ रहा है, ले छठे गियर में लिमिटर 136, और लीन हो जाता हूं मैं थोड़ा सा। मेरे पेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रही है, वरना और जल्दी निकल जाएगी। बस कुंदन भाई स्लो ना करें। भाई साहब गड़बड़ हो गया, स्लो मत करना निकल जाएगी, स्लो मत करना निकल जाएगी, स्लो मत करना निकल जाएगी। भाई ये देखो लिमिटर पे लिमिटर, बार बार लिमिटर दे रहा है, लिमिटर रोकना पड़ेगा, निकल जाएगी भाई, निकल गई R1। टॉप एंड में तो अच्छा भागती ही है, कोई सकी नहीं, बगल में निकल पा रहा है। ये देखो लिमिटर आते ही R15 आ गए। अब आप बताइए कौन सी गाड़ी लेंगे आप? रेस करता तो टॉप एंड में भाई धीरे धीरे करते हुए निकली। एक तो थोड़ा सा मेरी हाइट ज्यादा है, तो मैं उतना लीन होता नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर ज्यादा लीन हो जाऊंगा तो केवल आप लोग को ये दिखेगा, वरना लेकिन भाई है टॉप एंड में R1 निकल जाती है, जबकि ये पुरानी है, टॉप एंड में निकल जाती है ये। टॉप
अपन में निकलती है वो भी इतनी देर में कि भाई क्या ही बोले। हाँ ये तो टाइम तो लेती है लेकिन ठीक है, टाइम टाइम नहीं लेती, बहुत ज्यादा टाइम लेती है एक दो मिनट, लेकिन ठीक है बहुत ही ज्यादा टाइम लेती है। वही है ना, लोग टॉप एंड कंपेयर करेंगे लेकिन लोगों को ये नहीं पता भाई पर्पस उसका है कि सिटी में भगा लो आप। अब कोई रोज तो हाईवे पे आएगा नहीं, तो भाई कभी भी जैसे बहुत से लोग कहेंगे अरे टॉप एंड में निकल जाती है भाई, लेकिन KTM टॉप एंड के लिए नहीं बना रहा, KTM बना रहा है सिटी के लिए। अब हमें सेकंड राउंड भी करना है, अब इस राउंड में हम चलाएंगे RC और कुंदन भाई चलाएंगे R15 V4। स्टार्ट करते हैं, मैं चला रहा हूँ इस बार KTM RC 200। GoPro चेक कर लें, GoPro ऑन है, थोड़ा सा हेलमेट वगैरह सब सेट कर लें, भाई नीचे आ जाता है तो व्यू दिखाने में दिक्कत होती है। तीन हॉर्न पे रेस स्टार्ट होगी, लॉन्च अच्छा था। वीवी है, वीवी है, वीवी है। लॉन्च काफी अच्छा था। कहाँ है R1 वो देखो आप लोग, मीटर से साइड मिरर से व्यू दिखाता हूँ आपको R1 का, तो ज़्यादा मज़ा आ जाती। ये वर्जन 4 इसमें कोई शिफ्टर नहीं आता है, अलग से आप लगवा सकते हो। बाकी मैंने पूरी फुल स्पीड में इसको भगाया है, अब देखते क्या रहे। बस अब काम खत्म R1 का। लेकिन विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा, विंड ब्लास्ट बहुत है भाई। सॉरी RC का काम खत्म, टॉप एंड आ गया। टॉप एंड लेकिन बहुत जल्दी अचीव करती है, ये चीज मानना पड़ेगा। देखो पीछे लगाया उन्होंने, विंड ब्लास्ट बहुत है भाई। देखो कैसे स्पीड गिर गई इसकी वो, अरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं मिरर में देख रहा था, सॉरी मैं मिरर में देख रहा था। अब उसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब उसको टाइम लगेगा। पांचवा गियर था, अब मैं छठे गियर में आ गया हूँ। देखते हैं कब पीछा करती है वो। भाई लिमिटर आ रहा है और R1 आ रही है, और ये निकला मैं बड़ी तेजी में, और R1 जा रही है। ये देखो अब कुछ नहीं हो सकता भाई, पूरी बाइक खुली हुई है, अब मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं बस उसको आगे जाते हुए देख सकता हूँ, मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है भाई। सेट है यार, वो जा रही है, मैं जाते हुए बस देख रहा हूँ, कुछ नहीं कह सकते यार। लिमिटर काफी जल्दी आ जा रहा, मुझे लग रहा है BS6 Phase 2 वाली का, इतना भी जल्दी निकलने के बाद भाई उसका निकलना मुश्किल, कोई चांस ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है जितना लंबा होगा ना अगर खाली रोड पे, उतनी गैपिंग बढ़ती जाएगी, वो 45 छू जाएगी और ये 136 131 32 आती रहेगी। सो भाई देखो रेस करके मजा आई, अगर आप छोटी सी रेस करोगे ठीक फटाक से निकल जाएगी RC, बट हाँ जब लंबी रेस होगी, जब उतना लंबा रेस करोगे तब ये निकल पाएगी, वो भी एकदम ऐसी खाली एक्सप्रेसवे हो। तो मेरा मानना है भाई देखो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों अपनी जगह पे अच्छी हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस करना,
मैं आर1 की भी बुराई नहीं कर रहा, आरसी की बुराई नहीं कर रहा, बस एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, रोज़ तो ट्रैक करने नहीं आ रहे हो या ट्रैक के लिए तो बाइक ले नहीं रहे हो, तो उस हिसाब से देखोगे तो आरसी फास्टेस्ट है। बट अगर आप कर रहे हो, टॉप एंड पे जा रहे हो, तो नो डाउट 150 सीसी की बाइक को 200 सीसी की बाइक को हराना काफ़ी बड़ी बात है, मतलब है आर1 में दम, ये तो सभी को मानना पड़ेगा। और आर1 की एक और खासियत है, अगर आप इसको आराम से चलाओगे ना तो आप इससे माइलेज भी निकाल लोगे, आरसी 200 से आप उतना माइलेज नहीं निकाल पाओगे जितना आर1 से। तो दोनों ही अपनी जगह पे काफ़ी बेहतरीन सी बाइकें हैं, और मुझे लग रहा है राइवलली नहीं होनी चाहिए भाई, दोनों ही अच्छी बाइक है, दोनों को प्यार दिखाओ, दोनों को ही सपोर्ट करो यार, क्या राइवलली करना जो फैन वॉच करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी को पता है क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।